हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट एसटीवी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आज के मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कल का मार्केट कैसा जाने वाला है। आप लोगों से मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। आज के सेशन में सेंसेक्स 0.22% डाउन है, निफ्टी 50 0.25% डाउन है, बैंक निफ्टी 0.06% अप है और निफ्टी मिड कैप 100 0.22% अप है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर बात करें तो 821 स्टॉक एडवांस कर रहे थे और 1279 स्टॉक डिक्लाइन भी कर रहे थे। इससे पता चलता है कि आज का मार्केट बेयरिश सेंटिमेंट दिखा रहा था। निफ्टी 500 की अगर हम बात करें तो टॉप गेनर्स में मेट्रोपोलिस 5.65%, पावर फाइनेंस 5.22%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 4.35% और अपोलो हॉस्पिटल 3.65% तेजी दिखा रहे थे। और टॉप लूजर्स में एनसीएक्स इंडिया 5.65%, नालको 3.83%, मदरसन सूमी 3.07% और दीपक नाइट्राइट 3.03% मंदी दिखा रहे थे। आज जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम बेस्ड काम हो रहा था उनमें वोडाफोन आइडिया, पावर फाइनेंस, भेल और आईओसी प्रमुख है। आज 52 वीक हाई टच करने वाले शेयर्स में पावर फाइनेंस, ओबेरॉय रियल्टी, आरईसी और गोदरेज प्रॉपर्टीज शामिल है। इन स्टॉक्स में अब आपको प्रॉफिट बुकिंग की संभावना के चलते अलर्ट रहना चाहिए। ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 19,477 रुपए और 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 0.01% पॉजिटिव। अमेरिकन बाजार की अगर बात करें तो डो जोन्स इस वक्त 0.29% नेगेटिव चल रहा है, नैस्डैक 0.05% नेगेटिव चल रहा है और S&P 500 इस वक्त 0.21% नेगेटिव चल रहा है। यूरोपियन बाजार में FTSE इस वक्त 0.53% पॉजिटिव चल रहा है, CAC 0.89% पॉजिटिव चल रहा है और DEX 0.52% पॉजिटिव चल रहा है। एशियाई बाजार में आज थोड़ा सा बुलिश सेंटिमेंट था, केवल दो इंडेक्स को छोड़कर बाकी सभी इंडेक्स स्लाइटली पॉजिटिव थे। अब अगर हम कल की पॉसिबिलिटीज की बात करें तो निफ्टी 50 में RSI नेगेटिव सिग्नल दिखा रहा है और MACD पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है। अब तक के हिसाब से कल का बाजार फ्लैट जाना चाहिए या तो फिर ज्यादा से ज्यादा एक छोटा सा अप या फिर डाउन भी दिखा सकता है, अनलेस कल बाजार बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाए। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में RSI फ्लैट सिग्नल दिखा रहा है और MACD पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है और बैंक निफ्टी ने आज पॉजिटिव क्लोज किया है और अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को टच करने के बाद थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शन भी हुआ है, तो बैंक निफ्टी कल के दिन के लिए स्लाइट नेगेटिव टू फ्लैट नजर आ रहा है। फिर भी हमें कल की एशियन मार्केट और गिफ्ट निफ्टी के चाल को देखने की जरूरत है। बाकी डिपेंड करता है आज का अमेरिकन मार्केट और गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर क्लोज करता है और कल गिफ्ट निफ्टी कैसे मूव करता है। इस बात पर अभी तक के एनालिसिस के हिसाब से कल का मार्केट फ्लैट टू गैप अप ओपन होना चाहिए, तो आपको आपके सारे ट्रेड्स अकॉर्डिंगली प्लान करने हैं और बाजार के मूवमेंट के साथ ही आपको एंट्री और एग्जिट करना है। बाकी अगर स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स को अपने डायरेक्शंस के हिसाब से ही मूव करना चाहिए, अनलेस कल बाजार में कोई बहुत बड़ा अप मूव या डाउन फॉल ना आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल आपसे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इनमें कोई बाई सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।